हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वन मोर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने उन क्वेश्चन को कवर किया जो वन मार्क के थे, एंड आज से स्टार्ट होंगे हमारे टू मार्क के क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी नहीं देखे, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज अपलोड किए हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एंड बिफोर दैट, चलिए इसको फिनिश करते हैं, देन यू कैन लुक एट दैट आफ्टर द क्लास ऑल्सो, राइट। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 21 से। एंड यू कैन सिंपली सी दिस इज अ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। एंड इट इज सेइंग रूट टू इज गिवन एज इरेशनल नंबर्स, एंड प्रूव दैट 5 - √2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे टू ऑप्शन है आपके पास, बट वी विल नॉट टेक द ऑप्शन, हमें दोनों ही समझने हैं, बिकॉज वी डोंट नो एग्जाम में कौन सा ऑप्शन में आएगा या फिर कौन सा विदाउट ऑप्शन का होगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको ध्यान हो कैसे सॉल्व करते थे, सो वी सॉल्व इट बाय अ मेथड दैट वी कॉल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब मेथड बहुत ही सिंपल है। व्हाट यू डू हियर दैट जो भी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, आप उसका जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं। एंड व्हेन यू प्रोसीड, ऑब्वियसली आप कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद देखेंगे दैट क्वेश्चन में आप एक राइट वे में नहीं मूव कर रहे होंगे, एंड आपका रिजल्ट उस अजम्पशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। नाउ जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यू मे टेल इट that okay this is contradicting, that's why our assumption wrong tha, and you get your actual answer. Kaise karenge, directly ise samajhte hain. So it's given in the question itself that root 2 is an irrational number. So ye aapko already given hai, aapko ise prove karne ki koi need nahi hai. Then it is saying that 5 - √2 is also an irrational number. To maine contradiction method ki baat kari, isme aap kya karte hain, 5 - √2 aapko irrational prove karna hai, right? So take it as a rational number. So if I take 5 - √2 as rational, so what we proceed, we can say let 5 - √2, it is what, rational. जो भी हमें प्रूफ करना है हम उसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। अब समझे हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। सो इफ इट्स रेशनल, सो आई थिंक हम इसे पी बाई क्यू फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। सो यू कैन से यस, 5 - √2, इट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ वॉट, पी बाई क्यू। अब ध्यान रखना है दैट p और q यहाँ पर इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज द कंडीशन, q जीरो के इक्वल नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट p एंड q आर इंटीजर्स। सो अभी मैं आपको शो कर दूंगा एंड में दैट कैसे प्रॉपर लिखना होता है, सो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया। अभी इसको समझते हैं कैसे करना है। अब देखिए इसमें प्रोसेस जो होगा सॉल्व करने का बहुत ईजी रहता है, आपको कैसे भी करके रूट वाली जो वैल्यू है उसे अकेला करना है। सो ऑब्वियसली बाकी सारी वैल्यूज को आप ट्रांसफर करेंगे। So if I take this one, 5 - √2 equals किसके था, p by q के। Now मैं यहाँ पर से 5 को other side पर transfer करता हूँ to RHS, so it becomes somewhat this way, p by q minus 5. Now next step पे आप यहाँ पर q as a LCM ले सकते हैं, so in numerator you get p minus 5q, and that is equal to what, -√2. अब अगर आगे proceed करें, मैंने आपसे कहा था हमें root वाली value को अकेला करना है, so if you want to do that, हम रूट टू को यहाँ पर रखेंगे, एंड -2 इट गोज टू अदर साइड इन डेनोमिनेटर, से कुछ ऐसा फॉर्म होता है पी माइनस 5q अपॉन -2, इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सो दिस वे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, सो रूट टू इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा करते हैं माइनस से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो डिनोमिनेटर का माइनस रिमूव हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में आपको कुछ ऐसा मिलेगा 5q माइनस पी, राइट। एंड यहाँ पर क्या होगा, या आप सिंपली भी बोल सकते हैं इसे कॉमन लिया है, इसे कैंसल्ड आउट, तो रूट टू इज इक्वल टू व्हाट, 5q माइनस पी डिवाइड बाई 2। अब इसे ध्यान से समझे, यहाँ पर आपके पास LHS और RHS दो टाइप से वैल्यूज आ चुकी हैं। आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था दैट पी बाई क्यू जो है ये एक रेशनल नंबर है। अगर पी बाई क्यू रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सो जो आपका LHS है इट शुड ऑल्सो बी रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर में अगर आप रेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर, राइट। सो व्हाट वी नो हियर इज दैट दिस इज गोइंग टू बी रेशनल नंबर व्हिच इज इन LHS। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं LHS क्या है, दैट इज रेशनल। अब अगर LHS रेशनल है, सो देयर इज अ इक्वल साइन ऑल्सो, एंड इक्वल साइन का सिंपल सा मीन हुआ दैट RHS भी रेशनल होना चाहिए, अदरवाइज इक्वलिटी का आप साइन दर नहीं लगा सकते। सो व्हाट वी से हियर दैट RHS शुड ऑल्सो बी रेशनल, बट यू नो इट वेरी वेल इट्स नॉट, बिकॉज क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे ही बोला जा चुका था दैट रूट टू इज गिवन एज इरेशनल। हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग रूट टू रेशनल होना चाहिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट टू इरेशनल है। नाउ हियर इज द कंडीशन व्हेन यू कैन से कि हमारा अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, एंड अगर अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है सो वी कैन से इट वॉज रॉन्ग। अगर अजम्पशन करेक्ट होता तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता, दैट्स द मीन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एंड अगर हमारा अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, वो रॉन्ग है, दैट मीन्स हमारा अजम्पशन था रूट टू रेशनल है,
बट इट्स रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी कैन से रूट टू इज इरेशनल. सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा प्रॉपर कैसे. दैट एजम्पशन क्या है, एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड, राइट, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग. और अगर एजम्पशन हमारा रॉन्ग है, सो यू कैन से सो 5 - √2, दैट इज वॉट, दिस इज इरेशनल, दैट्स द थिंग. सो यहाँ पर प्रूफ करने का वे आपके लिए मैटर करता है. अभी मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स नहीं लिखे हैं, बट केवल कुछ ही एडिशनल स्टेटमेंट्स की आपको यहाँ पर नीड होगी. सो जस्ट लुक एट दिस वन फर्स्ट, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें, समझ लें. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ भी सकते हैं. एंड नाउ वी गेट टू नो दैट यहाँ पर आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स कैसा होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन ऑल्सो. सो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, सो मैं टॉप पार्ट पे ही से रखता हूँ, सो दैट आपका जो सॉल्यूशन है वो भी हाइड नहीं हो एंड आप इसे अच्छे से देख पाए. सो आई थिंक इट्स प्रॉपरली विजिबल टू यू. सो अब देखें, स्टार्टिंग के जो भी स्टेप्स हमने किए थे दैट आर गोइंग टू बी सेम हियर. हमसे बोला गया था दैट इसे रेशनल एज्यूम करना, हमने किया. देन इसको हमने सॉल्व किया, सो वी गॉट दिस. अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा शॉर्ट पे किया है, सो डोंट गो फॉर दैट. आपको पता है स्टेटमेंट पे हमें जाना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी लिखा था. अब आप बोलेंगे आरएचएस इज रेशनल, जैसा मैंने आपको बताया, राइट. आरएचएस क्योंकि रेशनल है, सो LHS should also be rational number because equal है, right? अब आपने देखा यहाँ पर RHS rational है, sorry, मैंने एक mistake यहाँ पर करी थी, I wrote it at LHS, it was RHS, right? So it's a blunder, but I hope you understand that LHS भी rational है होना चाहिए, but ये contradict हो रहा है क्योंकि LHS में हमारे पास तो number that was √2, it's obviously irrational. Question में दिया है, that means assumption contradicted, और अगर assumption wrong है, so 5 - √2 is irrational. अब ये जो statement है ये आपको इसी तरीके से लिखना होता है. एंड यू कैन सी मार्क्स का ब्रेकअप कैसे है. 1 mark फॉर प्रॉपर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन, नेक्स्ट 1/2 mark फॉर सॉल्विंग इट एंड इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, एंड रिमेनिंग 1/2 mark इज फॉर दीज स्टेटमेंट्स, राइट. सो इसका बहुत ध्यान रखें, स्टेटमेंट मैटर्स हियर अ लॉट. सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व दैट. ओके, अब इसी तरीके से एक और भी क्वेश्चन था, वी विल गो इनटू दैट आल्सो लाइक दिस. सो इट इज सेइंग चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n or not. 6 to the power n जो है किसी भी natural number 0 के लिए, sorry, 6 to the power n जो है क्या ये 0 से end हो सकता है? When it is saying that n is any natural number, that means जो power है कोई भी natural number है. इसको ध्यान से समझे, 6 to the power n का मतलब क्या है? एक ही अगर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 की आप कितनी भी power रख लो. क्वेश्चन इज सेइंग क्या ये जीरो से एंड हो सकता है, दैट वी आर सपोज टू टेल. अब यहाँ पर अगर आपको ये बेसिक क्लियर है दैट किसी भी कैलकुलेशन में जीरो कैसे फॉर्म होता है, सो इट्स ऑब्वियस दैट वी कैन गेट इट डन, राइट. एंड जीरो कब मिलेगा, जब किसी का भी हम 10 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे. सो दिस थिंग यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दैट 10 हमें कब मिलेगा, दिस वी गेट बाई 2 × 5. जब 2 और 5 एज अ फैक्टर होंगे किसी भी नंबर पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म पे, देन हमें एंड पे जीरो मिलेगा. अब इससे एक एटलीस्ट पेयर चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इन दैट केस जीरोस विल आल्सो बी मोर. सो फॉर 10 वी नीड 2 × 5 एज द फैक्टर्स. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट इज इट इन केस विद 6 to the power n, क्या ये जीरो से एंड हो सकता है. सो इफ वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n, सो वी कैन राइट इट एज 6 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3, नॉट मोर देन दैट. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर हमारे पास 2 तो है बट 5 नहीं है. So what we can say here that 5 is not present, and अगर 5 present नहीं है, so it's also very much clear that इनका multiplication होने के बाद आपको यहाँ पर 0 भी end पे नहीं मिलना है. That's why, क्योंकि prime factors में pair नहीं बन रहा, that's why 0 भी नहीं होगा. But इस statement को लिखेंगे कैसे, because again the same things come. Marks किसके हमें मिलने हैं, marks हमें मिलने हैं proper representation के. So let me show you that also, right? Now, I don't think that there is any issue. आप directly इसे देख सकते हैं, because we are here to save your time. आपके time और effort save करने के लिए हैं. So let's see that. अब यहाँ पर क्या बोला गया? Just look it very well. It's simply thing. जो हमने आपको discuss किया ना आपके साथ, just same thing is that. That 6 to the power n अगर 0 से end होता है, so it should be divisible by 2 and 5. ये इसके factors होने चाहिए. That's the same thing. So prime factorization किया, so we got this. But we can see that 6 to the power n में प्राइम नंबर 5 नहीं आता है, एंड इफ 5 नंबर इज नॉट प्रेजेंट हियर, दैट्स व्हाई 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0. दिस इज द थिंग. जो 6 to the power n है ये डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट. बट आई थिंक इट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट. सो यू कैन डू इट ऑब्वियसली.
आगे प्रोसीड करें और क्वेश्चंस को भी देखें। सो लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये बेस्ड है ट्राइंगल्स पे, राइट? एंड ट्राइंगल इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो लेट्स लुक एट दिस ऑल्सो। एंड कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, राइट, सो यू हैव टू पॉज इट। यू कैन पॉज द वीडियो, राइट, इट्स नॉट अ लाइव वीडियो, सो आप इसे पॉज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देन इफ यू डोंट गेट देन वी कैन प्रोसीड अहेड, राइट? सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इट इज सेइंग दैट इन द गिवन फिगर E is the point on side CB produced of an isosceles triangle. So there is an isosceles triangle ABC, right? So this is ABC. अब इसकी साइड जो है which is what CB, इसे आगे प्रोड्यूस करने पे आपको इस पॉइंट E तक जाना है, एंड इट इज डन इन सच अ केस दैट AB इक्वल्स AC. ओके, सो लेट्स सी। अब देखिए इस ट्रायंगल की साइड को जब प्रोड्यूस करेंगे व्हेन वी से CB, उसकी डायरेक्शन भी क्लियर हो जाती है ना, सी से बी के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है, राइट? नाउ पॉइंट ई पे आके हम लोग यहां पर रुके हैं, सो लेट्स फाइंड दैट द व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स अहेड। सो इट इज सेइंग दैट हियर एबी इज इक्वल टू एसी, सो एबी इक्वल्स एसी आपको दिख रहा है, दिस इज एन एक्चुअल ट्रायंगल, एबीसी शो हो रहा है ना, इस ट्रायंगल के अंदर आपको एबी इक्वल्स एसी दिख रहा है। सो इफ आई जस्ट गो इन दैट, सो देयर इज वन थिंग व्हिच कमिंग इन माय माइंड, एंड मैं इसको पहले लिख देता हूं, then we'll see इसे यूज करना है आगे कि नहीं। दैट इन ट्राइंगल ए बी सी हियर सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड अगर साइड्स इक्वल है सो इट्स एन आइसोसेलिस ट्राइंगल फॉर श्योर, क्वेश्चन में भी गिवन है, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सो ए बी साइड का अपोजिट एंगल है ए सी बी, दिस वन, राइट, ए सी बी दैट्स इक्वल टू व्हाट, ए सी साइड का अपोजिट एंगल व्हिच इज ए बी सी। अब ध्यान यहां पर ये रखना है आपको दैट आप कभी कभी सीधे एंगल बी लिख देते हैं, सीधे एंगल सी लिख देते हैं, देखिए सी में तो कोई इशू नहीं है, बट बी पे अगर आप देखें तो टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, सो यहाँ पर डाउट हो जाता है दैट कौन सा एंगल, दैट्स व्हाई आपको हमेशा ए सी बी ए बी सी इस वे में लिखना है, सो इट्स वेरी मच क्लियर दैट ये कौन सा एंगल है। व्हेन वी से ए सी बी सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, व्हेन वी से ए बी सी सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। अब इसे मैंने यहाँ पर एक्स एज्यूम कर लिया, आगे रिप्रेजेंट करने में भी ईजी होता है, and if it's required to prove anyway that's also it's easy. Now it is saying AD is perpendicular to BC. I'm removing this and चलिए देखते हैं जो AC है, AD है, ये BC में perpendicular है. So this is AD, BC is the base. So obviously this angle is 90. One more thing, EF is perpendicular to AC. Let me remove these things and अब नए structure पे चलते हैं. So EF is this length, right? ये देखिए AC में perpendicular, so this angle is also 90. तो यहां पर भी मुझे कुछ चीजें शो हो गई हैं, एंड व्हाट आर दोस, दैट दिस एंगल्स आर 90 90 डिग्री ईच, सो दिस वन इट इज 90 एंड दिस एंगल इज आल्सो 90, अब अदर साइड का एंगल भी 90 हो जाएगा, दैट्स फाइन। नाउ इट इज सेइंग प्रूफ दैट ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। अब सबसे पहले समझे क्वेश्चन में ये ट्राइंगल्स कहां पर है, बिकॉज ट्राइंगल नहीं विजिबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो ए बी डी इज विच वन, ए बी डी इज दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसे अभी मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। If I go for ECF, sorry, what I am seeing here, ECF. So ECF कहाँ पर होगा? So this is going to be here, ECF. मुझे इन दोनों triangles को similar proof करना है. It's really very easy. Two marks का question है, but easy है. अब देखिए कैसे करेंगे? There are definite criterions और उन्हीं में से एक criteria का हम लोग यहाँ पर use करने वाले हैं. So let's write that we are having triangle ABD and triangle ECF. So now if we go for this, थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे ऑलरेडी ये सिमिलर दिख रहे हैं, बिकॉज वन क्राइटेरिया दैट इज एंगल, एंगल क्राइटेरिया दैट इज बीइंग प्रूवन है। समझते हैं कैसे, अब ट्रायंगल एबीडी को देखें, एबीडी इज द वन व्हिच इज येलो, इसका ये एंगल 90 डिग्री होगा, राइट, व्हाट वी कैन से एंगल ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ई सी एफ देखें, ई सी एफ, राइट, ग्रीन वन, सो इसमें एफ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑल्सो 90, उसकी नेमिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सॉरी नॉट ए, ई एफ सी दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, यू कैन सी, राइट, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। अब इसको मैं इस साइड से रिमूव कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट, इसका 90 डिग्री यहां पर फॉर्म हो रहा है, दिस इज 90 डिग्री। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, वी कैन टेक वन मोर थिंग हियर, एंड व्हाट्स दैट, एक्स एंगल, इफ यू सी एक्स इज कॉमन, राइट, सो व्हाट आई कैन सी हियर इज दैट एबीडी के अंदर ये जो एंगल है दिस इज एक्स, we can say angle ABT, ये किसके इक्वल होगा, ECF के, right? And you can see starting पे हमने इसको x लिख दिया था, तो that's why मैं कहता हूँ just जैसे कोई angles आपको इक्वल दिख रहा है, आप उनको पहले से ही marking दे दें ताकि आपको doubt ना रहे। अगर मैं इसी को terms में लिख देता, so वो इतना easy नहीं होता, आप अभी भी search कर रहे होते किन angles को equal करें।
एंड इफ आई लुक एट दीज टू, सो टू एंगल्स पेयर्स आर डन, 90 डिग्री वाला एंड एक्सिस इक्वल, राइट? सो इफ वी जस्ट कंबाइन दिस, सो बाई डबल ए क्राइटेरिया टू एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल सो वॉट वी कैन से हेयर दैट ट्राइंगल ए बी डी दैट सिमिलर टू वॉट ट्राइंगल ई सी एफ. सो दिस इज द थिंग दैट वी वर सपोज टू प्रूव एंड इट इज प्रूवन हेयर. एक बार ध्यान से देख लें, वापस से इसको देखें, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन, टफ नहीं है, एंड इट्स ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, सो यू कैन चेक इट देयर ऑल्सो, राइट? एंड इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस पे आगे प्रोसीड करेंगे. सो व्हाट आई डू हियर इज दैट, इसको एक बार अच्छे समझ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली, राइट? सो दीज आर द टू क्वेश्चन, यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करके रखेंगे इन्हें, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे. Then we will go for the other questions also, right? So I hope all of you liked it. कैसी क्लास लगी ये आप मुझे क्लास के बाद बता सकते हैं. There is one more class for me, so that's why I have to end it quickly, right? But आगे की क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो लिटिल बिट लॉन्गर, जिससे आप ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए कम टाइम पे. ओके, सो बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर.